टेल हो कि क्या रखा है इस छक्के के अंदर जो तुम मुझे डालने में लड़की रखे, तुम उस छक्के के पीछे क्यों इतने पागल हो। तो खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते, तो वैसे ही अगर किसके पिछवाड़े में अगर बहुत बड़े बड़े गद्दे नहीं लगे हो तो दूसरे के पिछवाड़े में टाचनी नहीं छुपाती। सो हे एवरीवन, हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे आप लोग सब, होप सब घर में ठीक होंगे। सो गाइस, मैं आई हूँ अपने वापस से एक न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग भी कुछ खास होने वाला है। अभी आपके लिए मैं कुछ नया किस्सा बताने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो शुरू करने से पहले मैं एक कहावत बोलना चाहूँगी कि एक कहावत है ना, जिसके घर खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। लेकिन ये मैं अपने स्टाइल में बोलूँगी, क्योंकि ताना मारना है ना किसी को, इसलिए मैं अपने स्टाइल में बोलूँगी कि अगर किसके पिछवाड़े पे गद्दे की प्रोटेक्शन ना हो तो वो दूसरे की पिछवाड़े पे सुई और टाची नहीं चुभते, है ना। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम पे गई थी, है ना। उससे पहले और बताती हूँ कि कुछ दो तीन साल पहले एक लड़का मेरे पीछे बहुत ज़्यादा दीवाना था, मीन्स दीवाना था, दीवानों के जैसे वो मेरा पीछा करता था, मुझसे प्यार करता था। बट मैंने उसे साफ लफ्ज में बता दिया कि मैं नहीं कर सकती ये सब, मुझसे नहीं होगा। बट देन टू ही लव्स मी लॉट, हमेशा मुझे फॉलो करना, मेरे मतलब कुछ गलत नहीं था, अच्छा लड़का था। और उसके पीछे एक थी लड़की, पागल लड़की, वो भी उस लड़के से प्यार करती थी, बट वो उसको ज़रा भी भाव दाना चारा नहीं डालता था, है ना। तो और वो उसको ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एंड शी इज़ ऑलवेज टेल हर कि क्या रखा है इस छक्के के अंदर जो तुम मुझे डालने में लड़की रखे, तुम उस छक्के के पीछे क्यों इतने पागल हो, उसके अंदर ऐसा क्या है, ये वो, उसके अंदर क्या हीरा जड़ा है क्या, ये वो, ऐसा वो बोलती थी। बट क्या बोलूँ अभी मैं, वो उसकी चॉइस है, लड़के की चॉइस है, मैं लड़के का नाम नहीं लूँगी और लड़की का भी नाम नहीं लूँगी, बट वो उसकी चॉइस है कि वो उसको क्या बोल पा रहा है ना। अब हम आगे बात करेंगे उस मेन टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो लड़की ज़रूर ये वीडियो देखेगी और वो ज़रूर बात करेगी। तो गाइस, ये वीडियो है खास इस बात के लिए कि हम कुछ दिन पहले कल प्रोग्राम पे गए थे कहीं। तो अभी आपको तो पता है कि प्रोग्राम पे हम जाते हैं तो हमारा ग्रुप होता है, पूरे प्रोग्राम पे हमारी बातें होती है, हमारा डांस परफॉर्मेंस होता है। तो हम प्रोग्राम पे गए तो वो लड़की भी वहाँ मिली, एंड वो मुझे देख के मुँह ऐसे त्योड़े मेड़े बना रही थी, क्योंकि वो लड़की ने अभी तक उसको भाव नहीं दिया और वो बीबी उसके पीछे पागल है। बट मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं, वो लड़के के एरिया में के अंदर प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम पे हम गए तो चीज़ वो मुँह टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कर रही थी, अब पहले से उसका मुँह टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर से मुझे देखे और मुँह टेढ़ा मेढ़ा कर रही थी। बाप रे, अफसोस। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसने क्या किया पता है, अभी हम प्रोग्राम करे, प्रोग्राम से करके हम नीचे से ऊपर उतर रहे थे, तो वो अपनी सहेली को बोली कि ये जो आ रही है ना खुशी, इसके साथ में ये जो आ रही है ना, इसके साथ में इसकी तारीफ़ करना और इसकी तारीफ मत करना, इसको ना अपने ना बहुत इम्बेरस करेंगे, इसको फील कराएंगे कि क्या होता है इम्बेरसिंग फील। तो बहन, तू मुझे इम्बेरसिंग फील मत करा, मुझे मत तारीफ़ कर मेरी, तू मेरे सामने किसी और की भी तारीफ़ करेंगी तो चलेगा। तो हम नीचे उतर रहे थे तो उसने क्या बोली मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड को, या मेरे साथ जो डांस करती थी, बोले आप है ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, ऐसा उसने बोला, है ना। और उसकी दूसरी सहेली बोलती है ओ मत बोल ऐसा, नहीं तो है ना खुशी को बुरा लग जाएगा। तो बहन, मुझे नहीं बुरा लगा क्योंकि मैं समझ गई, और कल परसों ही मुझे तेरी ये फालतू की बात बकवास पता चली, और जिससे पता चली अब तो समझ ही गई होगी कि मुझे इस बात किससे पता चली, है ना। तो मुझे ये सब तेरी फालतू की बकवासों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि लोग तारीफ भी करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तू सोचेगी ये बोल के कि मुझे बुरा लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा बहन, है ना। मुझे पता है मैं क्या हूँ, तुझे पता है तू क्या है, उसे पता है वो क्या है, है ना। एक लड़की के चक्कर में आके तू मुझे उल्टा सीधा बोल नहीं सकती ना, है ना। तो मुझे सोचेगी मुझे बुरा लगेगा, ये लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बहन। मैं तो और खुश हूँ कि तूने मेरे साथ वाले की तारीफ करी,
उस मुझे एम्बेरस फील कराने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे बिल्कुल आज बुरा नहीं लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा। और मुझे अच्छा लगा कि तो अभी भी मुझसे जलती है, कितना है ना तेरे अंदर, नहीं मिला ना तुझे, कैसे मिलेगा? ऐसी घटिया सोच रखेंगे तो तुझे कहाँ से मिलेगा बहन? ऐसा मत सोच, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नीचा दिखाने से खुद इंसान नीचे गिरता है ना। और तू उसको बोलती थी एक ज़माना था, तू उसको बोलती थी क्या वो छक्के के अंदर रखा है, क्या उसके अंदर, क्यों उसका पीछा करता, तेरे को भाव भी नहीं देती है ना, ऐसा तू बोलती थी। याद है मुझे तेरे अल्फाज, और मैं तेरे अल्फाज भूली नहीं हूँ बहन, याद है मुझे तू क्या क्या बोलती थी, तेरे मैसेजेस भी मुझे पता है तू क्या क्या लिखती थी उससे, है ना। तो ठीक है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। और ऐसे ऐसे अल्फाज मैंने बहुत सुने कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, वो अच्छी है, अच्छी। मैं क्या हूँ, मुझे पता है, मैं मुझे अच्छी लगती हूँ वो ही मुझे पता है। मैं जाती हूँ, मैं पैसे कमा कर आती हूँ, मैं अच्छे से करती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ, वो करके मैं अच्छे से आती हूँ, है ना। मुझे इतनी तारीफ़ नहीं सुनने की आदत है ना, तारीफ़ सुनूंगी, मुझे लोग तारीफ़ करने के लिए है, बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। तो ये ब्लॉग देने के बाद भी लोग मेरी तारीफ़ ही करेंगे ना, बकवास लड़की है ना, सड़ेली, दोबारा ऐसा नहीं बोलने का बेटा, दोबारा ऐसा बोलेंगे कि तेरे साथ भी किसी दिन ऐसा होगा, तो कभी तेरी शादी होगी, है ना, और ना, और तेरा हस्बैंड तेरी साथ वाली सहेली की तारीफ़ करेगा तो तुझे कैसा लगेगा, है ना। चल तू तो लड़की लड़की मिलके प्लान कर रहे थे मेरे साथ ऐसा ऐसा करने की, और तेरे साथ होगा तो मेरी बच्ची दोबारा नहीं करना, दोबारा नहीं करना। तो खुद के घर शीशे के होते हैं तो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं। तो वैसे ही अगर किसके पिछवाड़े में अगर बहुत बड़े बड़े गद्दे नहीं लगे हो तो दूसरे के पिछवाड़े में टाचनी नहीं छुपाते, समझ गए ना। तो ये बात गाइस आप लोगों से शेयर कर रही थी, आप बताओ कि मैं और भी इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूं या ना करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे अच्छा लगा मुझे ये बात आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ेदार बातें आप लोगों को बताने काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून मेरे ब्लॉग को बहुत प्यार करने के लिए, बहुत 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 शुक्रिया गाइज। मैं अपना ब्लॉग घर में बनाती हूँ, सोचती हूँ कोई भी न्यू इंटरेस्टिंग बातें आए तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँ, आगे भी अभी अपनी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मुझसे यही प्यार करते रहना, मेरे साथ यही दिल लगाते रहना, मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती रहूँगी, यूँ दिल लगाती रहूँगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सदा सलामत रखे, आपकी रोज़ी पानी में बरकत रहे, और आप लोग हमेशा खुश रहो। बाय।